1999 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी सीधा सेंट्रो को टक्कर देने के लिए, और पिछले 24 साल में देखते ही देखते इसके 30 लाख से ज्यादा यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। टैक्सी सेगमेंट में भी ये गाड़ी इतनी ज्यादा फेमस है कि आप इसको नेशनल टैक्सी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। और इस गाड़ी का एक और फैक्ट है कि हर तीसरी वैगनआर खरीदने वाला आदमी भी दोबारा जब गाड़ी खरीदने जाता है तो वो वैगनआर ही होती है। आप इसी से अंदाज लगाओ कि ये लोग कितना ज्यादा इस गाड़ी पे ट्रस्ट करते हैं। अब सेफ्टी में 1 स्टार लाने के बाद भी अगर ये गाड़ी इतना बिक रही है तो मारुति वाले 5 स्टार लाने के बारे में क्यों ही सोचेंगे।